राधे राधे दोस्तों, स्पिरिचुअल जर्नी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो मेरा मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है काली कवच का पार्ट, हमें कैसा करना चाहिए और इस पार्ट को करने से आपको क्या लाभ होते हैं व आपको माँ काली की कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं इस कवच का पार्ट करने से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको काली कवच का पाठ कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि आप जो है कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद आप चाहें तो माता की चौकी लगा सकते हैं, उसमें माता की फ़ोटो रख सकते हैं, या फिर नॉर्मली अगर आपके स्थान में माँ काली की फ़ोटो है तो उसमें आप लाल फूल चढ़ा दीजिए, दीपक वगैरह प्रज्वलित कर दीजिए। अगर फ़ोटो भी नहीं है तो माँ कालका का नाम लेके एक फूल अर्पित कर दीजिए और ज्योत प्रज्वलित कर दीजिए। और उसके बाद धूपबत्ती वगैरह जो भी आप दिखाते हैं वो करके उनका नाम लेके, और फिर जो है कि अपना आसन लगा के लाल कपड़ा कुछ भी हो उसमें विराजमान होकर माँ काली का ध्यान करते हुए चरणों का फिर काली कवच का पाठ करना शुरू करें। देखिए, आप इसे सुबह और शाम दोनों टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो है कि लाभकारी साबित होता है। अगर आप इसको तीनों टाइम करते हैं तो कहते हैं कि इस कवच में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि आप इसको सुबह, दोपहर और शाम को अगर आप इस कवच का पाठ करते हैं तीन समय, तो जो है कि आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं माँ काली की। ठीक है, आपको माँ काली की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब हम बात करेंगे कि काली कवच का पाठ करने से जो है कि आपको क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति काली कवच का पाठ प्रतिदिन नियम से करता है उसको अनेक प्रकार की सुख स्मृति मिलती है, तेजस्वी व अनेक प्रकार की सिद्धियां पूरी होती हैं। देखिए, जब आप काली कवच का पाठ करते हैं और आप जो है कि सुबह शाम इसे अपनी पूजा में रखते हैं, या आप इसका वैसे ही चलते फिरते जो है कि इसका आपको याद हो गया और आप इसको मतलब जो है कि इसका पाठ करते हैं चलते फिरते भी, तो क्या होता है कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का गोल घेरा बन जाता है। आपका ऑरा जो है कि आपका मजबूत हो जाता है। माँ काल का जो है कि कवच के रूप में हर समय हर क्षण अपने उस भक्त के साथ रहती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। ठीक है, और इस कवच के पाठ से आपको काफ़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि आप जैसे किसी चीज़ की इच्छा करेंगे कि मुझे ये चाहिए, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो चीज़ आपके पास होगी या किसी के माध्यम से वो चीज़ आपको मिल जाएगी। कवच का अर्थ होता है कवच, अर्थात जो आपकी हर प्रकार से रक्षा करने में सक्षम है। चाहे वो कितनी भी बड़ी असुरी शक्ति हो, कितनी भी नकारात्मक शक्ति हो और आपको परेशान कर रही, तो एक कवच एक ऐसी चीज़ है कि हर संसार की समस्त जो बुरी शक्ति हैं उनको जो है कि परास्त करने में संभव है। ठीक है, ये किसी भी नकारात्मक शक्ति को परास्त कर सकता है, इसलिए जो है कि देवी देवता भी इस कवच का पाठ करते थे। तो इस पाठ को करने से जो है कि आपकी रक्षा होती है, आत्मबल बढ़ता है, आपका आकर्षण बढ़ता है व लोग आपसे आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, और आपका ऑरा जो है कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। काली कवच जो जीवन को बचाता है, और इसके बहुत सारे अद्भुत रहस्य भी हैं। ठीक है, कवच जो है कि मुख्यतः सात प्रकार के होते हैं। पहला कवच, जिसे धारण करके राजा को युद्ध में घाव नहीं लगता था। द्वितीय कवच, ठीक है, जो ताबीज़ के रूप में धारण किया जाता था। तृतीय प्रकार का कवच, भाग्यवर्धक रत्न के रूप में होता था। चतुर्थ प्रकार का कवच, इष्ट गुरु या शिव की कृपा से प्राप्त होता था। पंचम प्रकार का कवच, साधु संत का आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता था। षष्ठम प्रकार का कवच, मंत्र अनुष्ठान द्वारा करके प्राप्त किया जाता था। सप्तम प्रकार का कवच पाठ करके किया जाता है। सनातन धर्म में कवच का अत्यधिक महत्व है। कवच का उपयोग राजा लोग करते थे, राजाओं के युद्ध इतिहास की घटनाएं हैं, परंतु कवच का प्रयोग तो आज भी होता है। ठीक है, वह कोई भी कवच हो अर्थात लौकिक परलौकिक हो, सभी विशेष कारगर साबित होते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी जानकारी, काली कवच का पाठ कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल।